मैं रोशनी और आप सबका स्वागत है इकोश्योर कोल्ड प्रेस ऑयल में। आज हम आप सबको दिखाने वाले हैं कि हम किस तरीके से आलमंड ऑयल की मेकिंग करते हैं। तो चलिए पूरी प्रोसेस ध्यान से देखिएगा क्योंकि बात आपके सेहत की है। तो अब हम धीरे धीरे भरेंगे इसको, मशीन में धीरे धीरे डालेंगे। ठीक है, 17 किलो बादाम पूरी तरीके से क्रश होगा आप सबके सामने। मशीन का जो ऊपर का भाग है वो स्टेनलेस स्टील का होता है, लेकिन इसमें तेल बनता है। ये मैं नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगी। जिसमें तेल मैन्युफैक्चर होगा, बनेगा, वो होता है लकड़ी का। ये जो है तेल लाट दिख रही है आपको, ये लकड़ी की होती है, वो भी बबूल के लिए। और ये जो इतना चौड़ा भाग दिख रहा है आपको, ये भी लकड़ी का होता है। और आयुर्वेद में हमने सुना है, देखा है, समझा है कि बबूल की लकड़ी के अपने फ़ायदे होते हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन वैल्यूज़ होती है बबूल की लकड़ी में, इसीलिए। और एक तो टिकाऊ भी होता है, इसीलिए गांधी जी के ज़माने से ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। और उसके बाद बबूल की लकड़ी को, शीशम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, हर अलग अलग लकड़ी का प्रयोग किया गया। बट बाद में यही पता चला कि बबूल की लकड़ी सबसे बेस्ट है, और तब से लकड़ी खाने के लिए बबूल की लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। तो अब थोड़ा सा बचा है वो हम इस तरीके से, ये असली बादाम है, ऐसा नहीं है। अब इसे धीरे धीरे पाउडर करेंगे। ये जो लकड़ी खानी या कोल्ड प्रेस आप कह लीजिए, कोल्ड प्रेस तो वो होता है जो स्टेनलेस स्टील की मशीन में बनता है, उसे कोल्ड प्रेस कहते हैं। और जो लकड़ी खानी वुड प्रेस होता है वो ये प्रोसेस होता है। पहले के ज़माने में मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले बैल चलाया करते थे मशीन को। आज थोड़ा हमने तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी में हम आगे जा चुके हैं। सो अब बैल हट चुका है और मोटर का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि कंजम्पशन भी बहुत है। अगर कंजम्पशन बहुत है तो भाई बैल के थ्रू कितना आप मैनुफैक्चर करोगे? एंड ऑफ द डे जो डिमांड है उसका सप्लाई नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से मैनुफैक्चर होता है। अब फाइनली पूरा बादाम देखिए, एक अखा बादाम जो था वो पूरे के पूरे पाउडर में तब्दील हो चुका है। अब हम इसमें मेरा मेन इंग्रेडिएंट क्या बोल दीजिए, सुपर वाला, तो पानी ऐड करने वाली हूँ। बिना पानी ऐड किए इसमें से तेल निकलेगा ही नहीं। अब वीडियो देखने वाले ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि अरे तेल और पानी एक साथ कैसे मिक्स हो सकता है। भाई अगर इसमें अगर मॉइस्चर क्रिएट करना है या तो आप केमिकल डालो, हम तो इसके खिलाफ हैं, हम कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करते। तो हम इसमें प्योर वाटर ऐड करेंगे, पानी जल ही जीवन है, उसे ऐड करने वाली हूँ। और उसके बाद आप पूरी प्रोसेस देखते रहिए कि अब पानी अगर ऐड होने के बाद क्या होता है, मैजिक क्या होता है। तो ये इस तरीके से वाटर ऐड करेंगे, और जब इसे हम पानी ऐड करेंगे ना, तो आप देखिए धीरे धीरे ना ऐसे एक साथ मिलने लगेगा। जो ये पाउडर दिख रहा है ना, वो पाउडर ना होके एकजुट होने लगेगा। अभी जो पानी ऐड करते हैं मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए ऐड करते हैं, कई लोग बोलेंगे अरे पानी डालने से तेल खराब हो जाता है, या फिर ये क्वांटिटी बढ़ा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ये जो पानी डाला सिर्फ मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए, ये सारी प्रोसेस होगी। इस जो दोनों ही लकड़ी के बीच में बादाम का जो पाउडर है, इनके बीच घर्षण होगा, और ये घर्षण होने से एक तापमान निर्माण होता है। और फिर ये जो वाष्पीकरण द्वारा, और जो ये तेल निकालने के बाद जो केक बचता है ना, उसमें ये तेल के जो पानी बचा होता है वो उसमें चला जाता है। सो फाइनली जो आउटपुट होता है, जो तेल निकलता है, उसमें किसी भी प्रकार की पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, अगर आप आलमंड ऑयल खाते हैं तो आपको कैल्शियम मिलता है, विटामिन ई से भरपूर होता है, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और स्ट्रेस रिलीज करता है। आपके बालों के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा, तो ग्लोइंग स्किन चाहिए। मेरी भी उतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी मैं बोलूँगी मेरी वाली स्किन चाहिए तो आपको आलमंड ऑयल यूज़ करना होगा। ये जो बादाम है ना, इसका अगर आप 2.5 बादाम, मतलब एक बूंद तेल, मतलब चलिए 3 बादाम एक बूंद तेल, ये रेशो होता है। सो ईजी है ना यार, क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता कि अरे मैंने बादाम खाया, एक दिन खाते हैं दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो ये बड़ा ईजी है, दूध लिया, 2-3 ड्रॉप डाला, बच्चों को दे दिया, बुजुर्गों को दे दिया, और खुद भी ले लिया। खासकर ये महिलाएं जो वीडियो देख रही हैं, उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और प्योर फॉर्म वाला आलमंड ऑयल खुद तो लीजिए दूध में, और अपनी फैमिली को भी दीजिए। मशीन को हमने रोक दिया है, अब लॉक को खोलेंगे और आपको हम तेल देंगे। पीला पीला शुद्ध बादाम का तेल,
जो मार्केट का तेल होता है ना उसका एरोमा बहुत स्ट्रांग होता है, और जो नॉर्मल नेचुरल जो प्योर फॉर्म वाला बादाम का तेल है, कोई भी आप वुड प्रेस लकड़ी घानी का या कोल्ड प्रेस तेल ले लें ना, उसकी स्मेल बहुत ही मध्यम होती है। प्योर चीज की ना आपको रिजल्ट देखना पड़ता है, वो दिखने में आपको बहुत ग्लॉसी नहीं लगेगा, लेकिन जो उसका इफेक्ट होता है, जो उसका रिजल्ट होता है ना, जब आप यूज़ करते हैं ना तब आपको समझ में आता है। जैसे आयुर्वेदिक औषधि की बात करूँ मैं, होम्योपैथिक की बात करूँ, स्लो स्टडी आपको रिजल्ट देगा, पर एलोपैथिक जैसा झटके में रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही। पर आपको आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की दवाइयों का असर होता है, वही बात है इस तेल में। आमतौर पे हम ना फ्रेश ऑयल भरते नहीं हैं, हम इसे रात भर रखते हैं, और जब ये पूरी तरीके से सेटल हो जाता है, मतलब इस बर्तन के बॉटम में ना पाउडर जमता है, और वो पाउडर होता है बादाम का, और उसके बाद इसे भरते हैं। क्योंकि अगर फ्रेश ऑयल ऐसे इस तरीके से भरेंगे तो ये आपको दिखने में भी थोड़ा सा धुंधला सा दिखेगा, और इसकी बॉटम में भी ना बहुत सारे पाउडर इकट्ठे हो जाते हैं। ये है हाफ लीटर, अब इसे प्रॉपरली कैप लगा कर आपको दिखा। ये फ्रेश ऑयल कुछ इस तरीके से दिखता है, थोड़ा धुंधला होता है, सेटल होने के बाद पाउडर जमा हो जाता है, और ये सेटल्ड ऑयल है। एक लीटर हाफ लीटर की पैकिंग में है, 200 ml की पैकिंग में है, 100 ml की पैकिंग में, और 40 ml की पैकिंग में। एक लीटर बादाम की कॉस्ट है 3000 रुपये लीटर, लेकिन एक लीटर मत परचेस करिए, पहले छोटा मौका दीजिए। सो आप सबके लिए हाजिर है 40 ml, 40 ml की कॉस्ट है 130 रुपया। पहले आप ये मंगाइए, ये यूज़ करिए, और मुझे पता है रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब तक सभी को रिजल्ट मिला है। तो ये मौका आप हमारी वेबसाइट पे दे सकते हैं, www.ecoshareoils.com पे आप परचेस कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9819514272, इस पर कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, तो प्लीज़ हमें मौका ज़रूर दीजिएगा।